फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल घरेलू नुस्खे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे करेले के फायदे, करेले के द्वारा किस प्रकार अपनी आप आंखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार अपनी आंखों में से पानी आना बंद हो जाएगा आपका, जो आपकी आंखों में से पानी आता है वो आना रुक जाएगा, और जो आपको धुंधला दिखता है या आपको कम दिखता है, आंखों के किसी प्रकार की भी कोई भी आपकी समस्या है तो आप करेले के द्वारा दूर कर सकते हैं। ये आप कैसे करेंगे, किस प्रकार करेंगे, ये सब हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए यहाँ बताने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखें ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए कि आपने इस नुस्खे को किस प्रकार इस्तेमाल करना है, कैसे इसको तैयार करना है, कैसे इसका सेवन करना है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको और आपके चाहने वालों को, जिनको भी आप वीडियो शेयर करेंगे, उनको इस नुस्खे की जानकारी आसानी से मिल जाए और वो भी इस नुस्खे का फायदा आसानी से उठा पाएं। तो यह नुस्खा आपको कैसा लगा बताने के लिए हमारे चैनल पर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक नुस्खों की जानकारी बहुत ही आसानी से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे आप करेले के द्वारा अपनी आंखों की रोशनी किस प्रकार तेज कर सकते हैं। आपने कम से कम एक करेले का प्रतिदिन सेवन करना है। इसको आप किसी भी रूप में इस्तेमाल करें, किसी भी समय करें, चाहे सुबह के समय आप खा सकते हैं, दिन के समय खा सकते हैं, शाम के समय भी खा सकते हैं इसको, किसी भी समय आपने प्रतिदिन एक करेले का सेवन अवश्य करना है। अगर आपको ये कड़वा लगता है तो आप इसके छिलके उतार के इसके ऊपर नमक लगाकर थोड़ी देर आप धूप में रख देंगे तो इसका कड़वापन जो है वो दूर हो जाएगा और उसके पश्चात आप इसका सेवन कर सकते हैं। और अगर आप करेले का जूस निकाल के पिए तो वो बहुत ही अच्छा है। इसके लिए आपको इसमें नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जूस के अंदर आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एक करेला लेना है। करेले को अच्छे तरह से धोकर, धोने के पश्चात मिक्सर में डालकर और थोड़ा सा आप उसमें पानी डाल देंगे अष्टानुसार। ज़्यादा पानी नहीं डालना, आपने इतना पानी डालना है, आधे गिलास से ऊपर ज़्यादा पानी मत हो, ताकि आपको पीने में भी आसानी रहे। ज़्यादा पानी होगा तो उसका असर भी कम रह जाएगा। थोड़े ही पानी में आप इसका जूस तैयार करें। करेले को मिक्सर में डालकर आधा गिलास पानी और बीच में स्वाद अनुसार नमक डाल लें और मिक्सर को चला दें। जब अच्छे तरह से इसके बीज वगैरह सब बीच में पिस जाएंगे, आपको पीने में थोड़ी कठिनाई होगी, थोड़ा कड़वा लगेगा, पर आपको पीना ये अवश्य पड़ेगा। आप 20 से 25 दिन तक लगातार इस जूस का सेवन करें। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी तेज हो गई है। जो आपको धुंधला दिखता था वो भी अब आपको क्लीन एंड क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल साफ साफ दिखा करेगा आपको, बिल्कुल साफ। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा नुस्खा है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो आज हम आपको यहाँ अपने इस वीडियो के जरिए यहाँ बताने जा रहे हैं। आप हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आने वाले ऐसे ही नुस्खों की जानकारी आपको आसानी से मिलती रहे। तो दोस्तों, आपको हमारे साथ दी गई जानकारी कैसी लगी बताने के लिए हमारे चैनल पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही घरेलू नुस्खों की जानकारी आसानी से मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।